वेलकम फ्रेंड्स टू बॉन्ग पंजाबीज़। आज मैं लेके आई हूँ अपना लिविंग और डाइनिंग रूम का टूर। इससे पहले भी मैं एक होम टूर कर चुकी हूँ, लेकिन वो बहुत दिन हो गए हैं उसको करे हुए और मैंने काफ़ी चेंजेस कर लिए हैं उस टूर के बाद। मैंने सोचा एक छोटा सा टूर बना लूँ मैं अपने लिविंग रूम का। मुझे तो पर्सनली अच्छा लगेगा ही बिकॉज मेरा घर है। आई थॉट कि आपकी ओपिनियन भी ली जाए कि मैंने कैसे सजाया है अपना घर। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने लिविंग रूम का मैंने कैसे सजाया है और उसको कैसे डेकोरेट किया है। फ्रेंड्स टूर से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है अभी तक। मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूं एंड आई थिंक इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। सो दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस ऑफ माई हाउस इज़। यहाँ पे मैंने दो शेल्स लगाए हुए हैं जिस पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं। नेचुरल प्लांट यहाँ पे बहुत देर चलते नहीं है, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर आर्टिफिशियल प्लांट्स। दिस इज़ द नेम प्लेट ऑफ मी एंड माई हस्बैंड। यहाँ ऊपर मैंने डोर के ऊपर एक तोरण लगाया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ माई एंट्रेंस लुक्स एंड दिस इज़ द एंट्री टू माई हाउस। वेलकम टू माई होम फ्रेंड्स। ये है इनसाइड ऑफ माई हाउस। एंटर करने के साथ कुछ इस तरीके का व्यू कुछ आता है। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया कम्बाइंड है। आई हैव नॉट मेड एनी सच पार्टीशन। तो इसी तरीके से पूरा एक ओपन व्यू आता है अलॉन्ग विथ माई बालकनी विच गिव्स अ ग्रेट ग्रीन लुक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पौधों से भी बहुत प्यार है। यू कैन सी कि घर के अंदर भी मैंने काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। तो चलिए लेट्स गो इनसाइड। तो जो लिविंग रूम का ये वाला वॉल है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है वॉलपेपर। तो ये घर में शिफ्ट होने के साथ ही हमने लगा लिया था वॉलपेपर। तो थोड़ा ब्रिक लुक में आता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ये। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स दिस वॉल। एंड यहाँ एंटर करने के साथ ही लेफ्ट साइड में है मेरा टीवी यूनिट एंड राइट साइड में है मेरा लिविंग एरिया। सो दिस इज़ अ सोफ़ा एंड काफ़ी बड़ा सोफ़ा है अलॉन्ग विद अ बिग काउच। तो यहाँ पे बैठने में मज़ा बहुत आता है बिकॉज इज़ अ बिग काउच, सो लेट के आराम से टीवी देख सकते हैं। ये टीवी यूनिट है एंड यहाँ पे बिकॉज ये एंट्री है तो मैंने एक सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है एंड उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि इस वास के पीछे छुपा के रख दूँ, जिससे मुझे पर्सनली देखने में अच्छा नहीं लगता बट इट इज़ अ नेसेसिटी टू वी हैव टू कीप इट। एंड यहाँ पे लगा है मेरा टीवी, 55 इंच टीवी, दैट्स मी। एंड ये है मेरा टीवी यूनिट। ये जो पूरा टीवी यूनिट है ये मैंने बनवाया है घर शिफ्टिंग के बाद ही लोकल कारपेंटर से। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड इस पे मैंने कुछ निकनैक्स रखे हुए हैं सो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पॉट पोरी रखा हुआ है। ये बाउल होम सेंटर का है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 199 का मेरे होम सेंटर हॉल में आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ अ लिटिल पीस सर्वोस्की क्रिस्टल के साथ है एंड ये डिपिक्ट करता है जेमिनी, दैट इज़ माई स्टार साइन। सो दिस वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, पुराना है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। एंड दीज जो आपको दिख रहे हैं ग्लास के जो सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं ये होम सेंटर से हैं अगेन। एंड दिस वास इज़ ऑल्सो फ्रॉम होम सेंटर एंड द फ्लावर्स आर फ्रॉम अमेजोन। और यहाँ पे है एक और फैमिली ऑफ डियर, बड़ा क्यूट सा है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रीन कॉर्नर बनाया हुआ है अलॉन्ग विद माय प्लांट्स। एंड दो जो बड़े प्लांटर्स हैं दीज आर फ्रॉम अमेजोन, जो मैंने अपने अमेजोन हॉल में दिखाया हुआ है। दिस वन इज़ फ्रॉम लोकल नर्सरी, ये भी मैंने अपने जो प्लांट वाला वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था। मैंने बॉट दिस, बहुत अच्छा लगता है ये भी, इट गिव्स अ ग्रेट ग्रीन लुक टू द एरिया। इस एरिया में है थोड़े से निकनैक्स एंड सम बुक्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो दिस एरिया इज़ माई लिविंग एरिया एंड दिस इज़ टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ माई एंट्रेंस। यहाँ पे बीच में है एक टेबल एंड नीचे है एक बहुत प्यारा सा रग जो कि मैंने अपने अमेजोन हॉल में दिखाया था। एंड दिस साइड लैम्प, द फ्लोर लैम्प इज़ अगेन फ्रॉम अमेजोन, मुझे बहुत ही पसंद है ये, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम अमेजोन। ये भी मैं एक पुराने हॉल में दिखा चुकी हूँ। एंड देन देयर इज़ दिस बिग रोमन क्लॉक विच आई रियली लव, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन, ये भी मैं अपने एक हॉल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। सो दिस पेंटिंग इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन, आपको यहाँ पे अमेजोन के ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लुक्स लाइक आई एम एंडोर्सिंग अमेजोन बट ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने में आसानी रहती है सो आई प्रेफर अमेजोन। एंड द टेबल इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है, ये मेरी शादी के टाइम का टेबल है, मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड।
एंड ये मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे यह काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बीच में जो आप वास देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम होम सेंटर। सो इस तरीके का लुक आता है कंप्लीट। यहाँ पे टू सीटर है एंड यहाँ पे थ्री सीटर प्लस अ काउच और अ लाउंज व्हाटएवर यू से। एंड दिस सोफ़ा इज़ फ्रॉम कीर्ति नगर इन दिल्ली। ये हमने ऑर्डर देके बनवाया था एंड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये। पीछे हेडरेस्ट इज़ एडजस्टेबल सो इट गिव्स अ नाइस लिटिल लुक। एंड क्योंकि थोड़ा ग्रे ग्रे ज़्यादा हो रहा था तो आई पुट सम रेड टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ कलर एंड काफ़ी अच्छा लुक आता है। मुझे तो पसंद ही आएगा बिकॉज मेरा घर है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। मूविंग फर्दर फ्रॉम दिस एरिया इज़ माई डाइनिंग एरिया एंड बियॉन्ड दैट इज़ माई बालकनी। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टू क्रिएट अ लिटिल सॉर्ट ऑफ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू एरिया मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है साइड टेबल। एंड ये साइड टेबल है बंजारा मार्केट का जो आपको बंजारा मार्केट हॉल में पता दिख जाएगा। एंड ये जो वास एंड लैंटर्न है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बंजारा मार्केट। एंड दिस पूफ इज़ फ्रॉम अमेजोन। द रग इज़ अगेन फ्रॉम अमेजोन एंड बहुत ही अफोर्डेबल है ये सारी चीज़ें, नथिंग वेरी फैंसी। एंड ये जो पेंटिंग है दिस इज़ मेड बाय वन ऑफ द कलीग ऑफ माय हस्बैंड। बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं वो, तो हमने उनकी ही पेंटिंग लगाई हुई है अपने घर में। मुझे बहुत पसंद है ये पेंटिंग। एंड प्लस येस आई हैव मैरिका पाम हियर विच गिव्स अ नाइस लिटिल ग्रीन लुक टू दिस कॉर्नर। सो दैट्स अबाउट दिस कॉर्नर। मूविंग ऑन दिस इज़ माई डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग टेबल भी काफ़ी पुराना है। इसको हमने जब यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तब रिफर्बिश कराया है, टॉप चेंज कराया एंड इसका जो कुशंस वगैरह हैं वो हमने चेंज करा लिए तो इट हैड अ न्यू लुक। तो हमने इसको डिस्कार्ड नहीं किया, वी यूज़ द सेम वन एंड आई थिंक इट्स मैचिंग प्रिटी वेल विद द एंटायर थीम ऑफ माई हाउस। सो दैट्स हाउ इट लुक्स। एंड अगेन साइड में एक और मैंने प्लांट लगाया हुआ है मनी प्लांट का। एंड दिस इज़ माई बालकनी। इसका मैं टूर वीडियो एक अलग से बना चुकी हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मुझे बहुत पसंद है ये ग्रीन स्पेस अपनी बालकनी का। एंड देन मूविंग ऑन हियर इज़ अनदर लिटिल ग्रीन कॉर्नर आई हैव क्रिएटेड। यहाँ पे है पीस लिली, एक ट्रायल स्टार एंड अ स्मॉल वाटरिंग कैन जिसमें मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह रख दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ऊपर मैंने एक यहाँ पे विंडशाइम लगाया है जो डोर खुलते ही बजता है एंड गिव्स अ नाइस साउंड। मूविंग ऑन दिस साइड इज़ माय क्रॉकरी यूनिट। एंड यहाँ पे सारे जो भी क्रॉकरी वगैरह है हमने इकट्ठे कर रखे हैं वो रखे हैं। एंड देन देर आर सम प्राइजेज विच माय हस्बैंड वन फ्रॉम हिज क्रिकेट टूर्नामेंट्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड यहाँ पे मैंने एक बुद्धा जी लगा के रखे हैं, यहाँ पे अच्छा लुक आता है। एंड दिस पेंटिंग ऑफ कृष्णा इज़ डन बाय मी। मैंने बनाया है ये, वन ऑफ द अमेच्योर अटेम्प्ट्स एट इट बट आई होप इट्स नॉट टू बैड, इसलिए मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये अगेन मैंने लोकल कारपेंटर से ही बनवाया है दिस यूनिट। सो फ्रेंड्स देन दिस इज़ यू हैव सीन माई लिविंग रूम। एंड ऑन द दिस साइड इज़ माई मंदिर। ये मंदिर है, यहाँ पे मैंने बेल लगाया है जो कि मैंने लास्ट अमेजोन हॉल में शेयर किया है। ये भी कारपेंटर से ही बनवाया हुआ है। यहाँ पे एक डिप्रेशन सा था तो वहाँ पे हमने मंदिर क्रिएट करवा लिया है। एंड यस आई फॉरगॉट, दिस इज़ माई शैंडलियर, ब्यूटिफुल शैंडलियर जो कि एक लोकल मार्केट से ही है, लोकल गुड़गांव के मार्केट से। एंड आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है ये। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दिस इज़ द एंटायर व्यू। मूविंग ऑन दिस साइड इज अनदर कंसोल टेबल विच हैव क्रिएटेड एंड आई गॉट इट डन बाय फ्रॉम द कारपेंटर ओनली। सो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रखी हुई है अपने बच्चों की, उनको स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक है तो वो बुक्स रखी हुई हैं। यहाँ पे गणेश जी का बहुत ही सुंदर आइडल है जो हमें गिफ्ट में मिला था एंड इट लुक्स रियली बहुत ही सुंदर लगता है ये। सो आईव यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देन ये पेंटिंग भी बहुत पुरानी है, ये भी मैंने यहाँ पे हंग कर दिया है। एंड देन सम लिटिल ग्रीन स्पेस देयर एंड बस। सो दिस इज़ हाउ दिस कॉर्नर लुक्स।
यस देर इज़ अ फ्रूट बास्केट ऑल्सो विच यू कैन सी, जो मैं यहीं पर रख देती हूँ एंड इट्स ईजी टू पिकअप एंड ईट वट एवर यू लाइक. सो दैट्स हाउ इट लुक्स. फाइनली दिस इज़ द लॉबी विच कनेक्ट्स टू माई बेडरूम्स. ये तीन बेडरूम हैं एंड सामने देर इज अ कॉमन वॉशरूम. यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम्स लगा के रखे हैं. दिस इज़ फ्रॉम अमेजोन. ये भी मैंने अपने अमेजोन हॉल में दिखाया हुआ है. सामने जो है यहाँ पे मैंने शू रैक बनवाया है बिकॉज एंट्रेंस में और कोई स्पेस नहीं था, तो आई गॉट इट डन हियर. एंड ये पेंटिंग, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम इंटीरियर माता. तो उनका चैनल देख के मैंने ये पेंटिंग खुद, वन ऑफ माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट कैनवस पेंटिंग मैंने ही बनाया है. सो आई होप इट लुक्स नाइस. मैंने यहाँ पे लगा दिया है. एंड मूविंग ऑन, दिस साइड दिस इज़ ऑल्सो डन बाई मी. ये मैंने मैक्रमे थ्रेड से प्लांट हैंगर्स बनाए हैं. एंड यहाँ पे कुछ मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट नहीं आती है, नेचुरल लाइट नहीं आती है. सो आई हैव केप्ट आर्टिफिशियल प्लांट्स हियर, बट नेवर्थलेस इट गिव्स अ नाइस लिटिल ग्रीन लुक टू दिस स्पेस. सो आई रियली लाइक इट. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो दैट्स इट फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट माय हाउस, दैट्स हाउ इट लुक्स. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लिविंग टूर पसंद आया होगा. मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था इस तरीके से घर सजाने का. दिस इज़ माई फर्स्ट हाउस. सो आई होप आपको अच्छा लगे. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थम्स अप दीजिएगा. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बॉन्ग पंजाबीज फॉर मोर सच वीडियोज. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय.